परिवार तक की देखभाल भूल करके अपने आप को समर्पित कर देते हैं और तब जाकर के मानव कल्याण के लिए कुछ चीज दुनिया के सामने प्रस्तुत होती है। तो ऐसी तपस्या करने वाले और देश की ताकत को बढ़ावा देने वाले, मानव की रक्षा के लिए कृतसंकल्प इन सभी वैज्ञानिक अभिनंदन के बहुत बहुत अधिकारी हैं। बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है। युद्ध के रूप रंग बदल चुके हैं, रक्षा के और संहार के सारे पैरामीटर्स बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजी पूरी तरह जैसे जीवन के हर क्षेत्र में प्रीडोमिनेंटली ड्राइव कर रही है, वैसे ही सुरक्षा के क्षेत्र में भी है। और गति इतनी तेज है कि हम एक विषय को कंसेप्चुलाइज करें उसके तो पहले उससे दो कदम आगे कहीं प्रोडक्ट निकल आती है और हम पीछे के पीछे रह जाते हैं। और इसलिए भारत के सामने सबसे बड़ी चैलेंज मैं जो देख रहा हूं वो ये है कि हम समय से पहले काम कैसे करें। अगर दुनिया 2020 में इन आयुधों को लेकर के आने वाली है तो क्या हम 2018 में उसके लिए पूरा प्रबंध करके मैदान में आ सकते हैं? और विश्व में हमारी स्वीकृति, हमारी मांग किसी ने किया इसलिए हम करेंगे उसमें नहीं है। और एक बार सीधे लिए चलते हैं डीआरडीओ के कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। काम करने वाला व्यक्ति उस ऋषि को, उस साइंटिस्ट को देखेगा तो मेरे लिए इस महापुरुष ने बताया, आप कल्पना कर सकते हैं वो ऑनर का पल कैसा होगा। और इसलिए हमारी पूरी व्यवस्था एक दायरे से बाहर निकाल करके जिसमें एक ह्यूमन टच हो, एक इंस्पिरेशन हो, उस दिशा में उसको कैसे ले जा सके। अगर उस दिशा में, और मैं मानता हूं अब ये जिन लोगों का सम्मान हुआ उनकी स्पेशलिटी वाले और उनका उपयोग करने वाले लोगों एक बार मीटिंग करके देखिए, आपको अनुभव आएगा इस फंक्शन से भी उसका इंस्पिरेशनल लेवल अनेक गुना हाई हो जाएगा, आप देखना। क्योंकि वो अच्छा काम करने वाले को भी प्रेरणा देगा और जिसने उनके लिए काम किया उन जवानों को भी एक नई ताकत मिले, अच्छा हमारे लिए इतना काम होता है। उसी प्रकार से डीआरडीओ के कुछ लेयर बनाने चाहिए ऐसा मुझे लगता है। हो भी सकते, मेरा कोई इतना ज्यादा अध्ययन नहीं है। एक तो है हाईटेक की तरफ जाना और बहुत बड़ा नया इनोवेशन इसको करना, लेकिन एट द सेम टाइम रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला जो हमारा फौजी है उसकी लाइफ में कंफर्ट आए, ऐसे साधनों की खोज, उसका निर्माण, ये कैसे हो सकता है? आज अगर उसका वाटर बैग 300 ग्राम का है तो उतना ही अच्छा वाटर बैग 150 ग्राम का कैसे बने ताकि उसको वजन कम ढोना पड़े। आज उसके जूते इतने वेट के हैं, पहाड़ों में ये तकलीफ होती है, रेगिस्तान में ये तकलीफ होती है, तो इसमें रिसर्च कौन करे? क्या कभी जूते बनाने वाली कंपनी और डीआरडीओ का इस काम करने वाले लोग, इनका कभी इंटरफेस होता है? वे रिसर्च करके देते हैं। यानी डीआरडीओ को एक लैब से बाहर निकल करके और जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, आप देखिए हम इतना इनोवेशन के साथ हमारे लोग आएंगे, इतनी नई चीजें देंगे जो हमारे सेना के जवानों के लिए बहुत ही कंफर्ट ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करा सकता है, बहुत लाभ कर सकता है। उस दिशा में कुछ सोचा जा सकता है क्या? एक और विषय मेरे मन में आता है, आज डीआरडीओ के साथ करीब 50 लेबोरेटरी भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम कर रही है, क्या हम तय कर सकते हैं कि मल्टी टैलेंट का उपयोग करने वाली जो व्यवस्था, ऐसी 5 लैब हम ढूंढे 50 में से, हर हम एक डिसीजन लें
कि पांच लैब ऐसी होगी जिसमें नीचे से ऊपर एक भी व्यक्ति 35 एज ग्रुप से ऊपर का नहीं होगा, सबके सब बिलो 35 होंगे। अल्टीमेट डिसीजन लेने वाले भी 35 के नीचे के होंगे। एक बार हिम्मत के साथ हिंदुस्तान की यंगेस्ट टैलेंट को हम अवसर दें और उनको बताएं कि दुनिया आगे बढ़ रही है, आप बताओ। मैं विश्वास से कहता हूं इस देश की टैलेंट में दम है, वो हमें बहुत कुछ नई चीजें दे सकता है। अब आज साइबर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी लड़ाई है, मैं मानता हूं वो 20-25 साल का नौजवान बहुत अच्छे ढंग से करके दे देगा हमें, क्योंकि उसका 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 विकास ही उस दिशा में हुआ है, उसको तुरंत चीजें ध्यान में आती है। क्या हम पांच लैब टोटली डेडिकेटेड टू बिलो 35 एज ग्रुप और उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आखिर तक 35 के नीचे के लोगों के हाथ में दे दी जाए? हम रिस्क लें? हमने बहुत रिस्क लिए है, क्या है, एक रिस्क और ले लें। आप देखिए, एक नई हवा की जरूरत है, एक फ्रेश एयर की जरूरत है, और फ्रेश एयर आएगी हमें लाभ होगा। डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर के हमने सामान्य हमारे स्टूडेंट्स को भी तैयार करना चाहिए। क्या कभी हमने सरकार के द्वारा, स्कूलों के द्वारा साइंस फेयर होते हैं, बहुत होते हैं, क्या कभी उनको ये कहा कि ये साइंस फेयर 2015 का विल बी डेडिकेटेड टू ओनली द डिफेंस रिलेटेड इश्यूज? सब नौजवान खोजेंगे भाई, अपना प्रोजेक्ट लाएंगे, टीचर भी इंटरेस्ट लेगा, तो डिफेंस में क्या क्या होता है स्टडी होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेंगे। लाखों की तादाद में हमारे स्टूडेंट्स को डिफेंस साइंस भी एक बहुत बड़ा काम है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा काम है, डिफेंस रिसर्च एक काम है, उसके सोचने की खिड़की खुल जाएगी। हो सकता है 1 लाख में से 2-4 ऐसे निकल आए जिनको मन कर जाए यार इसको हम कैरियर बना लें। हमने देखा है कि आजकल टेक्निकल यूनिवर्सिटी की एक ग्लोबल रोबोट ओलंपिक होता है, नेशनल लेवल का भी होता है, क्या हम उसको स्पेशली डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप करके ये रोबोट कंपटीशन ओनली डेडिकेटेड टू डिफेंस? आप देखिए, ये जो नौजवान रोबोट के द्वारा फुटबॉल खेलते हैं, रोबोट के द्वारा क्रिकेट खेलते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, उसका मजा भी लेते हैं, उसका कंपटीशन भी होता है, लेकिन उसको 2 स्टेप अहेड 3 स्टेप अहेड हम इसके चीजें कर सकते हैं क्या? एक नए तरीके से, नए सोच के साथ और सभी लोगों को जोड़ करके। तो डीआरडीओ के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए कि डीआरडीओ को लैब से बाहर निकलकर काम करने की जरूरत है, रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के लिए ऐसी चीजें इजाद करने की जरूरत है जिससे उनको फायदा हो, तो नए नए प्रयोग करने की बात बता रहे हैं। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात, जिस तरह से अपने चुनाव में नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति की बात की थी, एक बार फिर से उन्होंने डीआरडीओ में भी युवा वैज्ञानिकों की बात की है। उन्होंने कहा है कि युवा वैज्ञानिकों को मौका देने की जरूरत है, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 35 साल से क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट ही किया जाए, जब इतने रिस्क लिए हैं तो एक और रिस्क ही सही, इसी तरह से देखा जाए इसे कि एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा लेयर बनाया जाए जिसमें कि 35 साल से कम उम्र के नौजवान हो, वैज्ञानिक हो, फैसला वही करे, रिसर्च वही करे, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है।